उनमें भी सारे अलग अलग तीन तीन के ग्रुप में सारे कार्यकर्ताओं को बिठाया गया। हमने सबने सोचा कि हम अंदर बैठ गए, अब हमारी पिटाई नहीं होगी, हम सेफ है। उसके बाद आप देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष जी से पूछिए कि जिलाध्यक्ष जी के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे ऊपर अंदर चूनाराम जो सीओ है उसने लठ बरसाई अंदर। खुद सीआई ने इतनी मारपीट करी कि चूनाराम जी को जैसे मैंने धक्का मारा तो उनके स्टार स्टार सब नीचे गिर गए और अंदर पूरे सीआई के चेम्बर में सारे ब्लड ही ब्लड हो गया। और आप देखिए मेरी जो उंगलियां हैं, जो मैंने लठ झेले हैं, पूरे हाथों में सूजन, इतना स्वेलिंग है, मेरे कंधे पे मैंने लठ झेला। अगर यही लठ जिलाध्यक्ष जी के ऊपर, मेरे पति के ऊपर पड़ जाता तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचते। कुल मिलाकर ये कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ हुआ है, ये पार्टी के लिए भी घातक है और सरकार के लिए भी घातक है। कार्यकर्ताओं ने किसी तरह का कोई उत्पात नहीं मचाया, कार्यकर्ताओं ने किसी कांस्टेबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, किसी तरह से मेरे पति ने किसी तरह से कोई झांपट नहीं जड़ा। मेरे को बचाने के लिए मेरे पति दौड़े और उन्होंने धक्का मुक्की गई करी तो मेरे पति पर ये गलत आरोप लगाया गया है। मैं कहूंगी कि ये कोटा के लिए बहुत, मैं कहूंगी दुर्भाग्य पूर्ण घटना है और ऐसी घटनाओं को ये पूरी साजिश के तहत रची गई घटना है। आप देखिए स्पेशल टीम उनकी वहां लगी हुई थी और उस स्पेशल टीम ने मारपीट करी, इसका मतलब पहले से कोई प्लानिंग थी और ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से रंजिश निकालने के लिए ये सब कुछ किया गया है। मैं आज कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता मेरे साथ मंडल अध्यक्षों पे लाठी बरसाइए, किस बात के लिए काम करेंगे अगर इस तरह से होता है। ये पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, इसकी ओर हम हमारे सीएम साहिबा को बताएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने बताया है। अभी आप महिला विधायक हैं, आपकी इस बारे में सीएम साहिबा से बात हुई? जिस नहीं, मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई उनकी तरफ से भी, किसी ने कोई नहीं, बोला नहीं, बिल्कुल सीएम साहिबा की तरफ से अभी कोई फोन नहीं आया मेरे पास। 10 बार लाठी चार्ज किया और 11 बार लाठी चार्ज किया गया। आप देखिए वहाँ के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर लाठियां भाज रहे हैं, क्या 100 कार्यकर्ताओं के सिर फूटे हैं, हाथ टूटे हैं, एक के तो रोड डलेगी। अभी फिलहाल 5 पुलिस कर्मियों की सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है, आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो चाह रही हूँ सस्पेंड हो, बिल्कुल सस्पेंड होने चाहिए, पूरा थाना चेंज होना चाहिए, एसपी साहब को यहाँ से हटाना चाहिए। इवन मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आईजी साहब का भी हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन एसपी साहब ने जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एसपी साहब गोधारा जी, चूनाराम जी और सीओ साहब और जो स्पेशल उनकी टीम लगी हुई थी, इन्होंने सबने मिलकर फुल कार्यकर्ताओं के